दुकानदारी तो बिल्कुल नहीं हो रही है। दुकानदारी चोरी करे, कड़ाका डाले, क्या करे। 28 साल से धंधा कर रही हूँ। चाहते हैं जो सरकार तो कोई गवर्नमेंट अपने काम ही नहीं कर रही। 10,000 रुपये का फर्म भरे वो भी तो नहीं मिल पाया। मोहम्मद मुजम्मिल और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। आज हम मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध मुद्दे के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी। और हमारे साथ आज खास बातचीत पर जुन्नाजो शहर के व्यापारी विनय गुप्ता जी से हम बात करेंगे कि बेरोजगारी के बारे में हमें जुन्नाजो शहर के बारे में बताएं। देखिए, ये बात तो सबसे है कि बेरोजगारी की समस्या आज हमारे देश में एक विकराल रूप ले चुकी है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह एक समस्या है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि समस्या से लड़ने की इच्छा शक्ति हम में ही होनी चाहिए, क्योंकि आज विश्व और भारत कोरोना जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो फरवरी 2020 में जो औसत जो कामगार की संख्या थी हिंदुस्तान में लगभग 40 करोड़ थी, और इसमें लगभग कोरोना काल में 13 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गवाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इस चीज़ से उबर नहीं सकता। भारत इस शक्ति से, इस समस्या से बहुत तेज़ी से उबर रहा है। और शायद अब हम फरवरी के जो आंकड़े देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ लोग आज की डेट में भी बेरोजगार इस समय हमारे देश में हैं। और इसमें सुधार निरंतर आ रहा है। सुधार कैसे की जाए, इसमें सरकार जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि पिछली सरकारों की तुलना में ज़्यादा ध्यान दे रही है बेरोजगारी दूर करने। जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ला रही है कि जिससे हम खुद ही रोज़गार के अवसर पैदा कर सकते हैं। हमें अपने क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने लिए स्वयं ही रोज़गार पैदा करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जैसे मैं अपनी जुन्नाजो की एक बात बताता हूँ, चूँकि ये कोयलांचल क्षेत्र है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जुन्नाजो में सिर्फ 5 कोम भट्टे हैं, और जो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ जुन्नाजो क्षेत्र में है। चूँकि जुन्नाजो क्षेत्र के अंतर्गत एक तानसी माइन आती है, जहाँ का कोयला की गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि उससे कोल बनाया जा सकता है, आउटपुट बनाया जा सकता है। लेकिन उसका दोहन आज तक हम लोग नहीं कर पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 5 ही कोक भट्टे हमारे क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक अपने पास संसाधन है जिसका उपयोग करके हम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रोजगार समस्या है, लेकिन उस समस्या से हमको लड़ना पड़ेगा। सिर्फ आश्रय ही लेके बैठे रहें कि सरकार ही हमें रोजगार देगी, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि यदि हमें संबल होगा तो रोजगार हम अपने लिए भी पैदा करेंगे और अपने समाज को भी रोजगार दे सकते। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में प्रभावित होना जी हाँ, मैं इससे आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं और हमारा जुन्नाजो नहीं, पूरा विश्व कोरोना काल से, इस त्रासदी से प्रभावित हुआ है। लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने रोजगार गंवाए हैं। जो शहरों में लोग काम करते थे, वह अपना काम छोड़ के आज अपने अपने गांव में, अपने मूलभूत निवास स्थान में आके रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी रोजगार गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाई है या उन लोगों ने भी अपना काम नहीं किया। आप लोग अपने अपने काम पे वापस लौटना चालू कर दिए और यह जल्दी यह समस्या भी दूर हो जाएगी। तीसरा और आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या जो हमारे यहाँ लोकल ट्रेन चलती थी उससे जुन्नाजो शहर का मार्ग फिर प्रभावित हुआ है? जी हाँ, किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र को डेवलप करने में एक जो संसाधन होता है ट्रांसपोर्ट का, वो बहुत मायने रखता है। चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, ये दोनों का इम्पैक्ट उसके व्यापार पे बहुत पड़ता है। जबकि चूँकि जुन्नाजो हमारा एक छोटा क्षेत्र है, यहाँ पे सुबह शाम ट्रेन का आवाजावन होता था, तो गांव की पब्लिक मूलतः है सुबह 9 बजे आ जाती थी, तो मार्केट सुबह 9 बजे बिल्कुल खुल के रेडी हो जाता था। लेकिन आज चूँकि ट्रेन बंद है तो मार्केट 11 बजे तक भी पूर्णतः नहीं खुलता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ट्रेन नहीं चलने का प्रभाव भी मार्केट में पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र के विनय गुप्ता जी से हमने बात की बेरोजगारी विषय को लेकर। मैं मोहम्मद मुजम्मिल और आप देखते रहिए मेरे साथ बोलेंगे न्यूज़। आप यहाँ जुन्नाजो शहर में रहते हो? हाँ, जुन्नाजो शहर में रहते हैं।
कैसे अभी दुकान धंधे पानी? दुकानदारी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, दुकानदारी चोरी करे कदाका डाले, क्या करे। 28 साल से धंधा कर रही हूँ, आजकल से नहीं कर रही हूँ। दुकान का माल बिकने रहे, क्या कर सकते। तो यहाँ रोजगार कैसे चल रहे हैं अभी? रोजगार चल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, रोजगार चल ही नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। ना बच्चों काम कर सक रहे हैं, ना आदमी काम काम आदमी काम मिल रहे हैं, ना बच्चों को काम मिल रहा है। यहाँ रोजी रोटी ऐसी ढक पड़ी है हमारी। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो बेरोजगारी के विषय में? जो सरकार तो कोई गवर्नमेंट अपने काम ही नहीं कर रही। 10,000 रुपये का फार्म भरे वो भी तो नहीं मिल पाया।